हे गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और हम लोग जो हैं बस सुबह का काम निपटा रहे हैं। आपने लास्ट वीडियो में देखा हो किस तरह से ये मस्तियाँ करता है, तो देखो ये बिलौटा ना यहाँ पर भी मान नहीं रहा है यहाँ पे भी मेरी ये हेल्प कर रहा है बेडशीट जमाने में, और इसको बड़ा मज़ा आ रहा है। जहाँ से भी बेडशीट अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है ना, बस इसको भी फोल्ड करनी है उसको। तो मतलब कोई इकलौता काम ऐसा नहीं है जो इसने छोड़ रखा हो कि वो मैं अकेले निपटा दूँ। बस हर काम में इसको मेरे साथ आना होता है, और ऐसे मस्ती मस्ती में ना कैसे दिन निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। करते 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 देखा ना बस आज आपने कितनी बदमाशियां करता है। तो ये शरारती माइलो जो है ना, ये बस सारे दिन ऐसे ही कुछ मादी करता रहता है, और हम अच्छा दोनों मस्तियाँ करते रहते हैं इस तरह से। तो बस इसको मौका चाहिए होता है। अब देखो किस तरह से ये मांग रहा है कि इसको दे दूँ मैं, ये अपने आप जमा लेगा। इसको कोई अरे पूछो कि ये बेडशीट अरे और तकिए का भार खुद सहन कर पाएगा क्या ये, लेकिन नहीं, इसको अरे बस अरे मस्ती अरे करनी है। बड़े दिनों बाद में ये एक पार्सल रिसीव हुआ है। एक्चुअली मैं काफ़ी दिन से वेट कर रही थी। मैंने मंगवाए हैं कुछ ईयर पीसेस जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे ऑनलाइन, और ये ईद आने वाली है, मेरा बर्थडे भी आने वाला है, और इवन दिवाली तो खैर आनी ही है। तो मैंने अभी से ही एडवांस में ये 3 ईयर पीसेस मंगवा लिए, जिस तरह से मैं हर साल दिवाली और ईद के लिए मंगवाती हूँ, तो बिल्कुल उसी तरह से मैंने इस साल भी मंगवा दिए। ये देखिए मैंने पेपर उतार के दिखा रही हूँ, कितने ज़्यादा सुंदर है। मुझे ऐसे हैंगिंग वाले और काफ़ी जो बड़े साइज़ में होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने मेरा कलेक्शन देखा होगा लास्ट लास्ट वीडियोस के अंदर, कि किस तरह से मेरे पास ईयरिंग्स जो हैं वो पड़े हैं, और ज़्यादातर लूप वाले और काफ़ी बड़े होते हैं। अब ये देखो माइलो पंचायती, इसको यहाँ पे भी घुसना है। उसको कोई पूछे कहाँ लेके जाएगा ये, अब देखो कहाँ। अरे 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 माइलो कहाँ लेके जाएगा तो खैर इसको ट्राई ऑन करके बताती हूँ मैं कि ये कैसे दिख रहे हैं पहनने के बाद में। थोड़े से हैवी हैं पहनने में, लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं। इनके लिए तो नेकलेस पहनने की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो चलिए खैर अब बहुत बैठना बिठाना हो गया, और टाइम भी काफ़ी हो रहा है, करीब 12:30 बज रही है। तो अब काम पे चलते हैं। मैंने बकेट के अंदर गर्म पानी डाला है, और वॉशिंग डिटर्जेंट के साथ मैं ये डेनिम्स डाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैली हो गई थी। तो हाफ एन आवर के लिए इनको सोक करके उसके बाद मशीन में चलाऊँगी। तो आज क्या ब्रेकफास्ट हुआ नहीं है, और लंच का भी टाइम हो रहा है, तो सोचा कि चलो ब्रंच कर लेते हैं। तो आज ब्रंच में मैं बनाने वाली हूँ स्पेशल सा सैंडविच। उसके लिए यहाँ पे नॉनस्टिक पैन पे मैं प्याज टमाटर और शिमला मिर्ची को अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ। उसके बाद अब मैं ब्रेड को बहुत सारा बटर, जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो वो डाल के और ब्रेड को अच्छे से सेक रही हूँ। फिर बनाएंगे हम लोग ऑमलेट। जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो एग्स नहीं खाते हैं, वो यहाँ पे आलू पैटी यूज़ कर सकते हैं, आलू का मसाला यूज़ कर सकते हैं, या जो भी वो चाहें प्लेन सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच भी वो खा सकते हैं। तो ये एग को मैंने अच्छे से फेंट दिया है, और इसके ऊपर 2 पिंच मैंने नमक लिया है, 2 पिंच मैं काली मिर्ची ले रही हूँ, 1 पिंच ज़ीरा लेंगे रोस्टेड, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची इसके अंदर डाल रही हूँ, मुझे प्याज टमाटर वगैरह ऑमलेट में बिल्कुल पसंद नहीं है। तवे पे थोड़ा सा बटर ले लेंगे, थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा और उसके ऊपर मैं ये ऑमलेट का जो अंडे का जो घोल है वो डाल दूँगी, और बटर को थोड़ा थोड़ा सा फैला दूँगी। मुझे पता है ये बटर तवे के ऊपर पहले फैलाना होता है, पर मुझे ना इस तरह से ऑमलेट के अंदर खूब सारा बटर अच्छा लगता है, इसलिए मैं पहले से फैलाती नहीं हूँ उसको। अब इसको फ्लिप कर देंगे। ऑमलेट बनाना तो बहुत ईजी काम है, लगभग सबको आता है। डिपेंड करता है कि आपको उसको बहुत ज़्यादा फ्राई करके खाना है या फिर हल्का सा ही फ्राई करना है। तो अब इसके अंदर लगाते हैं ट्विस्ट। जो हल्का साइड है ब्रेड का वो मैंने रख दिया है तवे के ऊपर, और इस पे लगा दिया है थोड़ा सा सॉस। सॉस को हम स्प्रेड कर देंगे, फिर डालेंगे थोड़ी सी चीज़, थोड़ी सी मतलब कि आप जानते हैं कि बहुत सारी, और फिर हमने जो रोस्ट कैरामलाइज किया है हमारे अनियंस को, टमाटर और शिमला मिर्ची, वो इस पे रख देंगे, और सैंडविच के ऊपर हम लोग ये ऑमलेट को भी अच्छे से फोल्ड करके और लगा देंगे। ये देखिए बहुत एनर्जी लेवल बढ़ाने वाला ये सैंडविच है। थोड़ा सा स्वीट कॉर्न इसमें डाल दीजिए, और ये वेजिटेबल ऑमलेट सैंडविच जो है ये आपका एक कहते हैं ना कि सुपर बम्पर पावर एनर्जी वाला एक सैंडविच हो जाता है, जिसे खाने के बाद भूख जो है ना वो इतनी शानदार वाली शांत होती है कि आपको काफ़ी लंबे समय तक कुछ खाने की ज़रूरत नहीं होती है।
ये देखिए इसे कट कर दिया है और इसके अंदर की फिलिंग देखिए कितनी शानदार लग रही है। तो ये पावर बूस्टर वाला एक सैंडविच है जैसे अगर हमने दिन में एक बार खा लिया तो फिर बस छुट्टी खाने की। तो सुबह टाइम नहीं मिला था क्योंकि मैं लेट उठी थी, तो बस अभी न्यूज़पेपर पढ़ने लगी थी और इस मस्ती खोर को देखो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ने देगा। आज हम लोग दिन में थोड़ा सा देर के लिए चीकू के पास जाने वाले हैं तो इसको भी लेके जाएंगे। जा रहा है घूमी घूमी चीकू के वहां जा रहा है माइलो। ए माइलो चीकू के वहां जा रहा है। तो कुछ देर बस वहाँ पे हम लोगों ने बातें चीतें की और अब हम वापस घर की तरफ निकल रहे हैं। शाम का वक्त हो चला है तो चाय वाय निपटाने के बाद में अब डिनर की तैयारी चल रही है। मैं आज पनीर भुर्जी बना रही हूँ तो मैंने तेल में ज़ीरा को तड़कने का वेट किया, फिर प्याज और हरी मिर्ची डाल दी है। अब मैंने पनीर को इसमें ऐड कर दिया है, आधा चम्मच नमक इसमें डालूंगी मैं, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर क्योंकि मेरी जो हरी मिर्ची है वो ज़्यादा तीखी नहीं है, तो मैं इसमें 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा काली मिर्ची पाउडर डाल चुकी हूँ और 1/4 हल्दी डाल चुकी हूँ। एक पिंच के आसपास इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर रोस्टेड और उसको अच्छे से मिक्स करके यानी कि हल्के हाथों से, और फिर देखिए हमारी भुर्जी तैयार है। इसको हम लोग धनिया डाल के और गार्निश कर देंगे। अब घुटाल माल दाल का आप कमाल देखो कितना सिंपली ये बन जाती है। तो मैंने मतलब जब भी मन नहीं होना कुछ खाना बनाने का या बहुत शॉर्टकट के अंदर खाना निपटाना है तो ये दाल बना सकते हो। तो इसमें अब मैंने कुकर ले लिया और ये मिर्ची मैंने आधी इसके अंदर कट कर दी है और जो दाल थी ना ये दाल मैंने ले ली इसमें। इसको घोटाल माल दाल क्यों कहते हैं उसके पीछे रीज़न मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ बस कहते ना मारवाड़ी में घोटा बाल के काम करने वाला, मतलब कि ज़्यादा बिना एफर्ट के काम करना, और लगती बहुत टेस्टी है ये। अब मैं इसके अंदर जो लहसुन मैंने कूट के रखा था वो भी डाल रही हूँ। दिस इज टोटली ऑप्शनल, आप चाहें तो इसके अंदर प्याज भी डाल सकते हैं, बट इस दाल के अंदर ना टमाटर नहीं डलते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप टमाटर इसमें ना डालें। बस अब हो गया, अब क्या इसके अंदर हम नमक डालेंगे मसाले डालेंगे, बस हो गया। कुकर बंद करेंगे सीटी देंगे और दाल तैयार। तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ नमक, मेरा आधा कटोरी थी दाल जो कि दो जने आराम से खा सकते हैं, तो मैं इसमें एक चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अगर कम नमक लेते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं, ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं, टोटली अपॉन यू। अब इसमें डालेंगे मसाले और आधा कटोरी दाल के अंदर मैं डालूंगी एक चम्मच मिर्ची क्योंकि मेरी हरी मिर्ची जो है वो बिल्कुल भी तीखी नहीं है, तो आई कैन अफोर्ड कि मैं उसमें ज़्यादा लाल मिर्ची डाल सकती हूँ। हल्दी जो है 1/4 चम्मच डालूंगी और धनिया का पाउडर भी सिर्फ 1/4 चम्मच ही दाल में जाएगा। देखिए मेरा एक्सपीरियंस जो मेरी मदर के थ्रू आया था वो यही है कि जब धनिया हम ज़्यादा डालते हैं तो हमारी दाल है ना वो थोड़ी सी मतलब ऐसी हो जाती है, यूँ कड़वाहट हल्की सी देती है, इसलिए हमें धनिया पाउडर बहुत कम डालना है और करीब एक पिंच के आसपास हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर रोस्टेड। इसे चाहे तो हम ऊपर से बाद में भी डाल सकते हैं। और अब बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर आ गया है जो कि हमारे जब कई बार होता है ना कुकर के ढक्कन से दाल या चावल का जो पानी होता है वो उफनने लग जाता है, उसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है कि आप एक चम्मच इसके अंदर तेल डाल दीजिए। तो छोटा सा चम्मच है, ऐसा कुछ बड़ा भी नहीं है, मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है और अब बारी आ गई है कुकर बंद करने की। गैस की फ्लेम को मीडियम रख देंगे और करीब 1.5 सीटी या 2 सीटी भी दे सकते हैं आप चाहें तो। ओ माई गॉड, देखो रिकॉर्डिंग के चक्कर में ना अभी ब्लंडर हो जाता, मैं इसमें पानी मिलाना बिल्कुल भूल चुकी हूँ, तो मुझे इसके अंदर भी पानी ऐड करना है। तो करीब इसमें हम लोग 1 कटोरी से 1.5 कटोरी के बीच में पानी ऐड कर देंगे, सफिशियंट रहेगा मेरे ख्याल से इतना। बाद में अगर थोड़ा भी कम होता है ना तो हम लोग ऊपर से ऐड कर सकते हैं। देखा पता है इसीलिए कहते हैं कि एक बार में ना एक चित काम कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें तो मल्टीटास्कर बनना है, हम तो ढेर सारा काम करेंगे। और अच्छा हुआ ना कि पता चल गया, इन केस अगर मुझे ये ध्यान नहीं रहता तब तो फिर मर ही गए थे वो जली हुई दाल मिलती हमें, वो सच में ही घोटा बाल हो जाती तो जब तक दाल बन रही है हम लोग चावल भी भिगा देते हैं। मैं बासमती राइस यूज़ करती हूँ, इंडिया गेट तिबार, और काफ़ी अच्छा ग्रेन इसका लंबा बनता है।
तो इसको हम लोग क्या है, पहले अच्छे से तीन पानी में धो देंगे और उसके बाद में इसको करीब 15 मिनट के लिए हम भिगा देंगे। और चावल को भिगा के बनाइए, जितनी भी कहते हैं ना मांड वगैरह वो सब कुछ ऊपर से निकल जाती है, बट आई टेल यू जो मांड होती है ना वो हमारे बालों और चेहरे के लिए बहुत यूजफुल होती है। तो उसे आप ट्राई कीजिए कि आप उसे बालों और चेहरे पर लगा सकें। मैं इसलिए यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मैं इसमें नमक डाल के चावल उबालती हूँ, तो नमक के साथ में कई बार रैशेज होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैं नमक अवॉइड करती हूँ। ये देखिए हमारी दाल जो है वो पूरी अच्छे से बॉईल हो चुकी है, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे तड़का। तो ये राई, जीरा और हींग मैंने लिया है तड़के में, और तेल गर्म होते ही हम इसमें तड़के का सामान डाल देंगे। आप चाहें तो घी भी इसमें यूज कर सकते हैं। राई जीरे के तड़कते ही हम क्या करेंगे, हम करेंगे धमाका। तो ये देखिए ये हुआ अब दाल को उबलने देंगे। देखिए डिपेंड करता है कि आप दाल कैसी खाना पसंद करते हैं। अगर आपको ये वैसे बॉईल हो चुकी है, अगर ऐसे ही खाना चाहें तो आप गैस को थोड़ा सा एक बार उबाल आ जाए इसमें आप फिर बंद कर सकते हैं। और अगर दाल बिल्कुल मैश्ड खाते हैं, जैसे कि मैं बिल्कुल पतली और सब कुछ बिना दाने वाली दाल खाती हूँ, तो मैं इसको अभी और उबालूंगी। थोड़ा सा पानी इसमें डाल देते हैं और इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ मेरी दाल पक चुकी है। देखिए ये मशी कंसिस्टेंसी हम लोग लेना पसंद करते हैं, तो इसे मैं दूसरे बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसी कुकर में मैं चावल उबालने वाली हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इसी पॉट में सेम मैं बनाने वाली हूँ राइस, तो मैंने कुकर के अंदर जो राइस भिगा के रखे थे वो डाल दिए हैं। अब इस कटोरी के नाप से हमने राइस को मेजर किया था, तो हम लोग इसी के नाप से पानी भी डालने वाले हैं इसमें। तो मैं करीब एक कटोरी और डेढ़ कटोरी मैंने इसमें पानी डाल दिया है। मेरा ये एक कटोरी भर के चावल था। अब इसमें नमक डाल देंगे करीब 3/4 चम्मच और करीब 1 टीस्पून हम इसमें घी डाल देंगे। कुकर का लिड करेंगे बंद। अगर कुकर में बनाना है तब तो आपको इसमें 1.5 कटोरी भीगे हुए राइस के अंदर पानी सफिशिएंट होता है, लेकिन अगर आप खुले पॉट में बनाएंगे तो आप पानी ज़्यादा भी ले सकते हैं, और अगर उसी में पानी एब्जॉर्ब करवाना चाहें तो आप करीब 2 कटोरी पानी ले सकते हैं। कुकर में राइस बनाने के फायदे हैं कि बहुत जल्दी बन जाता है, तो विद इन 5 मिनट्स हमारा ये राइस तैयार हो जाएंगे। 1.5 सीटी हमें इसके अंदर देनी है। डिनर रेडी हो चुका है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।